मुस्कुराते रहोगे जिंदगी भर। आज के बाद अगर तुम बालाजी के हो गए तो तुम्हारी समस्याएं अब तुम्हारी नहीं है, आज के बाद तुम्हारी प्रत्येक समस्या हमारे सन्यासी बाबा की है। चलना या ना चलना तुम्हारे ऊपर, भटकना तुम्हारे ऊपर। भटकोगे तो भटकते रहोगे, अटकोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे। और तुम परेशान इसलिए हो कि तुम करना कुछ नहीं चाहते हो, कृपा पूरी चाहते। इसलिए मेरे पागलों, ये बात तो मैं कोई और इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि सबको डर है कहीं लोग हमें छोड़कर भाग ना जाए, और हमारा ये डर बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हमें छोड़कर भाग जाओगे। हमें ये डर है कि तुम हमें चिबक ना जाओ, और हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम अगर चाहो कि हम पीछा छोड़ के चले जाए तो हम तुम्हारे घर पर संस्कार टीवी पे आ जाएंगे, और तुम उसके बाद भी नहीं मानोगे, रात को मोबाइल चलाओगे हम यूट्यूब में खोलाएंगे। अब तो एक चीज और हमने सीख ली है, इंस्टाग्राम पर तुम्हारी रील में हम प्रकट हो जाएंगे, तब भी तुम नहीं मानोगे, और तुम सोचो कि पीछा छोड़ जाए तुम्हारे शहर में हम कथा करने के बहाने आ जाएंगे, और तब भी तुम नहीं मानोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे गुरुजी के लिए, हम तुम्हारे सपने में आएंगे। तुम एक दिन कहोगे कि बाहर में गया आप नहीं भटकना है, कहा जहां जाओ वहां ये आदमी मिलता है, पर हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम कितना भी छोड़ाओ, तुम में दम हो तो छोड़ाओ, और ये बात कोई नहीं बोल सकता, जिसमें दम होती है वो ललकार के बोलता है। याद रखना, सत्य का उपासक हमेशा तेज बोलता है, झूठ वाला भी कई बार तेज बोलता है लेकिन उसकी बांस फट जाती है, उसका गला बैठ जाता है, और सत्य का जो उपासक होता है वो ललकार करके बोलता है, उसका ना गला बैठता है उसकी आंखें भी बोलती है कि मैं साचा आदमी हूं। और याद रखना, दुनिया की कितनी भी ताकत है सत्य के पीछे लग जाए, झुकती हमेशा सत्य के सामने ही है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार। अब तो उनको भी डर लगने लगा है जो दूसरे पंथ के लोग हैं, उन्हें भी लगने लगा कि कुछ दिनों बाद हमारे लोग भी हरी हरी बोलेंगे, और इसीलिए तो कितनी ताकतें नहीं लगी है। तुम YouTube पर खोलो तो तुम्हें 20 लोग मिल जाएंगे हमको गाली देते हुए, और उनकी गाली जायज है, हमें उनसे बुराई भी नहीं है, वो जायज है क्योंकि वो नाजायज है, तो उनकी गाली जायज, हमें उससे कोई बुराई भी नहीं है। जो ना जायज है उसकी गाली जायज है, क्योंकि उसे डर है कि यह आदमी हमारा प्लान फेल कर सकता है, और हो गया, प्लान फेल हो सकता नहीं, हो रहा है, और उनको डर है। और तुम क्षमा करना, हमारी कोई बुराई करे तुम बहुत ज्यादा निराश मत हुआ करो, मुस्कुरा कर कह दिया करो सेम टू यू माय डियर। और कोई ज्यादा बुराई करे वो तो तुम्हें कहेगा ये नंबर एक का पाखंडी है, तुम कह देना हाँ है, तू भी कम नहीं है। और कोई बुराई करे तो और मुस्कुरा कर कह देना कोई बात नहीं, हम बागेश्वर वाले। और कोई ज्यादा बुराई करे तो तुम बैनर टांगने से भी मत चूकना, अपने घर के बाहर टांग देना बैनर, ये घर बागेश्वर वालों का है। अपने आप आदमी जल के राख हो जाएगा। और तुम चिंता मत करो, हम रुकने वाले नहीं है जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। बस तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। तो ये अपने लिए नहीं हम कर रहे, ये इतनी मुसीबत है। कल हम वहां प्रयागराज गए, किसी ने पुलिस कमिश्नर को धमकी दी कि ये प्रयागराज में प्रवेश करेगा तो टेंट उड़ा देंगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब क्या करना है, हमने कहा तुम डर रहे हो, तुम अपनी बीवी बच्चों को फोन लगा दो, हम तो लगा कर आए हैं क्योंकि हमारी है ही नहीं है, तो तुम्हें अगर लगता हो तो तुम फोन लगाओ, हमारी गाड़ी इंट्री करेगी। एंट्री गाड़ी ने भी की, वो आदमी पकड़ा भी गया, और हमने दरबार भी लगाया, झंडा भी गाड़ा, डुबकी भी, बोले अब आप डुबकी चुपके से लगाइएगा, हमने कहा नहीं खुलकर लगाएंगे, और हमने कहा ऐसे खुल के नहीं, हम कुर्ता उतार कर डुबकी लगाएंगे, तुम चुपके से बात करते हो, दिमाग खराब हो गया। जिस आदमी ने फोन लगाया था वो भी नहीं सोच पा रहा था कि ऐसा भी आदमी होगा इस दुनिया में, और जो सुरक्षा में आए थे शासन की तरफ से वो भी कह रहे थे कि आपको डर नहीं लगता, हमें तुम्हें लगता होगा, हमें तो नहीं लगता है, और डरना किस बात का, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना है। तो ये तुमसे कहते हैं कि तुम मत पीछे होना, अब तुम्हारी बारी है,
ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की चर्चा सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गर्व के साथ कह पाए कि हम भारतीय हिंदुस्तानी हिंदू हैं। और ये ताली बजाने के लिए या तुम्हारा सहयोग पाने के लिए भी नहीं हम कह रहे। एक बात और याद रखना, हम बहुत उल्टे आदमी है, हम तुम्हारे अस्मिता, तुम्हारी हमारी जितनी तुम्हारी बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षित रखने के लिए, ताकि श्रद्धा जैसा हाल ना हो, इसलिए ये बात उठा रहे हैं। और हम किसी भी धर्म के विरोधी भी नहीं है। और खैर, तुम धर्म की चर्चा करने आए भी नहीं हो, तुम तो पर्चा के चक्कर में आए। कुछ लोग तो ये भी चिल्ला रहे कि तो 5 बजे निकला है, ऊपर से प्रवचन सुना रहा है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं ये प्रवचन बंद कर, पर्चा बना, मेरे बाप का नाम बता। कुछ लोगों का तो दिमाग खराब है, मेरा काम कब होगा, डेट बता। ये प्रवचन बहुत सुन लिया, 18 चैनल खोलो, 19 बाबा आते। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम अपना स्वार्थ पूरा करने आए हो। हमारे बालाजी ने जो सिद्धि दी है वो हमें अपने स्वार्थ के लिए दी है, वो हिंदू राष्ट्र है। तुम्हारा स्वार्थ भी यहां से पूरा होगा, हमारा स्वार्थ भी उन्हीं के चरणों से पूरा होगा। इसलिए मेरे पागलों, जो तुम आए हो चमत्कार उनके लिए, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। बाकी हम तुमसे विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हाथ जोड़ करके, जो जो तुम अर्जी लेकर आए हो वो पूरी होगी होगी होगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब तुम्हें संदेह हो तो भगवान बचाए, हमें संदेह नहीं है, तुम्हें अगर संदेह है तो भगवान बचाए। पर इसके लिए पहले तुम ठोको बजाओ अपने आप को। हमें संदेह नहीं है, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है कि हमारी बिना हमारे जैसे नालायक व्यक्ति अगर बोलना लायक बन जाए, ये इष्ट की कृपा है। हमने आंखों से देखा, जिनके लिए भी प्रार्थना की उन्होंने मुस्कुराहट दी। तो हम तुमको भी कहते हैं, तुम संदेह लेकर मत आना, पेशी प्रारंभ कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। एक बात तो ये तय है कि हम किसी मोड़ पर तुमको मिलेंगे। दूसरी बात ये तय है कि जो विपत्ति है उस पर आज से ही बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंचने लगेगी। और तीसरी बात ये तय है कि एक दिन उस विपत्ति से तुम मुस्कुराते हुए नारियल लेकर और मीठा प्रसाद लेकर यहां खिलाने आओगे। और ये हम नहीं कहा है, लाखों लोगों ने कहा है। और ये इसलिए नहीं कि हनुमान जी हमारे हैं या हम तुम्हें बागेश्वर धाम बुलाना चाहते, तुम्हें धाम आने की आवश्यकता नहीं। तुम घर पर बैठकर ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो, लहसुन प्याज बंद करो और कर्म करो, घर पर ही तुम्हें बागेश्वर बालाजी है। और तुम फिर महीने में एक बार आना, 5 महीने में एक बार आना, पर तुम्हें मंगलवार को आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन आओगे वो दिन तुम्हारे लिए मंगल का होगा। घर में भूत बाधा है, मंत्र नोट करो, बीज मंत्र, ओम बागेश्वराय वीर वीराय भूम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय भूम फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करना प्रारंभ कर दो। 5 लौंग रोगी को, भूत बाधा रोगी को बांधना प्रारंभ कर दो। जाओ, नकारात्मक ऊर्जा में आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। घर में बीमारी है, एक बात तो याद रखना, तुम कलयुग में कितने भी जगह भटक लो, अंत में तुम्हें हनुमान जी के चरणों में ही आना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग के राजा सिर्फ हनुमान जी है। कौन है? और देवता हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। केवल एक हनुमान जी है जो तुम्हारे संकटों को मिटा सकते हैं। तुम्हें आना इन्हीं के पास पड़ेगा। और आना जब तुम्हें इन्हीं के पास है तो तुम कहां वृथा भटक रहे हो मेरे पागलो? याद रखना, जिसकी जो खोज होती है उसे वही दिखाई पड़ता। जिस दिन तुम व्रत रखोगे उस दिन तुमको जगह जगह रेस्टोरेंट दिखाई पड़ेंगे। जिस दिन तुम भूखे होगे तुम्हें जगह जगह होटल दिखाई पड़ेंगे। जिसके अंदर काम वासना रहती है उसे स्त्री और पुरुष ही दिखाई पड़ता है, लेकिन जिसके अंदर राम वासना रहती है, राम को पाने की चेतना रहती है, उसे हर जगह राम का भक्त दिखाई पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर बालाजी को देखने की या बालाजी को पाने की इच्छा जग जाएगी, पर तुम्हें हर जगह बागेश्वर बालाजी दिखाई पड़ेंगे।
हर जगह तुम्हें सन्यासी बाबा दिखाई पड़ेंगे, और जितने भी प्रश्न तुम्हारे मन में जागेंगे उन प्रश्नों का उत्तर अगर सन्यासी बाबा के तुम हो जाओगे तो तुम्हें दो दिन के अंदर सन्यासी बाबा ही उत्तर दे करके जाएंगे स्वप्न में। और सन्यासी बाबा दो जिन्होंने 300 साल तक तपस्या की आज भी अदृश्य रूप में, सन्यासी बाबा दो हमें और तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते लेकिन उनको हम तुम जरूर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मेरे पागलों परचा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है लेकिन तुम्हें मानना नहीं है। तुम्हें फिर एक घंटे बाद बोलोगे परचा कब बनेगा, क्योंकि बदमाश तुम नंबर एक हो और हम भी तुमसे ज्यादा बदमाश है, हम भी परचा ही बनाने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम तुमसे कहते हैं तुम नारियल बांधो और एक बात बताओ, क्या तुम हर समस्या का समाधान पाना चाहते हो या एक समस्या का? क्या तुम चाहते हो मेरी प्रत्येक समस्या का समाधान हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं आवाज अन्य जगह भटकूं ना? क्या तुम चाहते हो कि मुझे बालाजी की कृपा मिले? क्या तुम चाहते हो कि हनुमान जी मेरी अर्जी सुने? क्या तुम चाहते हो कि सन्यासी बाबा के दर्शन हो? यदि चाहते हो तो दो शर्तें हैं हमारी। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में पड़ना बंद कर दो। और दूसरी शर्त, मंदिर चढ़ जाओ, जो विपत्ति हो, जो समस्या हो, जो बाधा हो, हाथ में नारियल लेना और बालाजी को और सन्यासी बाबा को देखकर कहना आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए हैं। एक शर्त और है, और ये शर्त तुम्हारी जीवन में क्रांति लाएगी अगर तुम थोड़े से भी बुद्धिमान होगे। और बुद्धू होगे तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी मंत्र या कोई भी चमत्कार नहीं बचा सकता। और अगर तुम थोड़ा भी बुद्धिमान हो तो अंतिम शर्त तुम्हारे काम आएगी। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना या आज के बाद हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ देना। दो में से एक करना। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, सन्यासी बाबा को या गुरु जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो। जब जो होगा वो तुम्हारे हित का होगा। और फिर हम कहते हैं तुम्हें गुनिया, ओझा, तंत्र, अन्य दरबारों में, अन्य जगहों पर अपना शोषण करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी की प्रत्येक कमी बागेश्वर बालाजी के चरणों से ही पूर्ण हो जाएगी। और तुम बहुत विपत्ति में गिरे हो, हमें यह भी पता है, तुम हजारों रुपए खर्च करके अर्जी लेकर आए हो, किराया उधार उठाकर आए हो। और याद रखना तुम इतने ज्यादा प्रताड़ित होकर आए हो कि तुम्हारी दुनिया में बहुत हंसी उड़ा ली है, तुमने तुम्हें दुख इतना घेर रखा है दुखों ने विपत्ति ने कि तुम सबकी लगा देते हैं ठंड बहुत।